सोचा था कि एक मामूली सी सरकारी योजना 5 लाख रुपए की धनराशि दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी नवंबर में ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, अगर आपने 2021 में ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपके खाते में 5 लाख रुपए की धनराशि आ सकती है। ये धनराशि किस प्रकार से आप सभी के खाते में आएगी, चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देती हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारियाँ ना सिर्फ मुफ्त हैं बल्कि पूरी कोशिश की जाती है कि आप सभी तक हर एक बड़ी योजना का लाभ भी पहुंचाया जाए। बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर 3 बड़ी योजना को जोड़ा गया था, जिसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस था, जिसे ये कहा जा रहा था कि ये इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कागजाती कामकाज करवाने के बाद आपको मिलेंगे, पर बता दें कि ये पूरी तरीके से गलत साबित हो गया है। बताया जा रहा है कि ई श्रम पोर्टल पर जिन लोगों ने भी, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते थे और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्टर का साइन और साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से ऑनलाइन ही कार्ड तक पहुंचाया और मात्र 10 मिनट के अंदर उन सभी लोगों का मुफ्त में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया, और वो भी 5 लाख रुपए का। बता दें कि अगर आप बीच में आपका इलाज रुक जाता है, मान के चलिए अगर आप 3 लाख में अपना इलाज करवा लेते हैं और 2 लाख रुपए की धनराशि डायरेक्ट आपके खाते में आएगी ताकि आप अपना ध्यान अच्छे तरीके से रख सके। बता दें कि इस धनराशि का लाभ जो है वो आप साल में एक बार उठा सकते हैं। दोस्तों है ना, ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।